रोहतास खटाना ने तावड़ू में दर्जन भर गांव का दौरा किया, ग्रामीणों की ओर से मिला भरपूर समर्थन। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी रोहतास सिंह खटाना ने मंगलवार को विभिन्न गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाकर ग्रामीणों के साथ कांग्रेस की नीतियों व योजनाओं को साझा करते हुए ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि कांग्रेस पार्टी जनहित का पूरा ध्यान रखेगी और सभी साथियों को भरपूर मान सम्मान मिलेगा। इस दौरान ग्रामीणों की ओर से भी उन्हें भरपूर समर्थन मिला और रोहतास खटाना का जगह जगह फूलमालाएं व पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। रोहतास सिंह खटाना ने आज मंगलवार को गांव पेरी, मोहम्मदपुर अहेर, डबला पार्टी की ढाणी, डेंगरहेडी, सियानी का गोयला, कालिया की डालाबा, सुनारी, खोरी खुर्द, पढ़ेनी इत्यादि गांवों में जगह जगह अपने जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हर वर्ग की भलाई के लिए योजनाओं का प्रावधान किया है। हरियाणा में कांग्रेस सरकार का गठन होते ही सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, युवाओं को रोजगार एवं 25 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का विशेष प्रावधान रहेगा। इतने नहीं, महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी और गरीब तबके के वंचितों को 100-100 वर्ग गज का प्लाट निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की विचारधारा के विपरीत भाजपा ने हमेशा गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़ा वर्ग एवं व्यापारी व कर्मचारी सहित हर वर्ग को प्रताड़ित करने का काम किया है। अब जनता भाजपा को सबक सिखाएगी और कांग्रेस पार्टी में विश्वास जताते हुए उसे अधिकतम वोटों से विजयी बनाएगी। उन्होंने कहा है कि प्रदेश भर में कांग्रेस की लहर चल रही है और कांग्रेस निश्चित रूप से स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी। रोहतास सिंह खटाना ने कहा है कि तावड़ू सोना का भी पिछड़ापन दूर करके इसे विकास के मार्ग पर अग्रसर किया जाएगा और मूलभूत सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। इसके साथ साथ यहां विभिन्न प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे जिससे हर वर्ग को लाभ मिलेगा। गांव के ग्रामीणों ने कांग्रेस नीतियों से प्रभावित होकर रोहतास सिंह खटाना को भरपूर समर्थन दे दिया। इस अवसर पर उनके साथ कांग्रेस पार्टी के आधा दर्जन नेताओं सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप देख रहे हैं सोहना तावड़ू से शाहिद मेवाती के साथ लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोचना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें।